जय सियाराम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का KYC फॉर्म। तो इसमें आप अपना KYC डाल सकते हैं, और KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे डिटेल्स भरने पड़ते हैं, और इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा वो भी मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। एक फ़ोटो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पर डालना है, और साथ ही आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लेके जाना पड़ेगा। उसका एक फ़ोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स आप करके रखिए, और फिर उसी में आप सिग्नेचर भी कर दीजिएगा अपने जेरोक्स में, और ओरिजिनल भी लेके जाइए, वो लोग खुद से देख कर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे इसे फिल करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे डिटेल डाला गया है कि नेम आपको यहाँ पे लिखना है। प्रीफिक्स का मतलब होता है यहाँ पे आपको मिस्टर, मिसेस, मिस, ये यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो यहाँ पे मिस्टर लिखिए और अपना पहला नाम यहाँ पे डालिए। जैसे कि मेरा नाम है यहाँ पे देखिए सूर्य प्रकाश दास, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो सूर्य प्रकाश दास। इस तरह से आपको पूरा डिटेल यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास मिडिल नेम नहीं है, सिर्फ सिंपल सा कोई आपका नाम है, जैसे कि आपका कोई मतलब मिडिल नेम नहीं है, सिर्फ सरनेम है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सूर्य यहाँ पे दास ऐसे लिखिए। ठीक है, अपना नेम लिख दिया आपने। नेक्स्ट, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अपना डिटेल एकदम सही वाला अकाउंट नंबर यहाँ पे आप डालिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रेसिडेंट सिलेक्ट करना है। देखिए पहले है रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट इंडियन, इसका मतलब है NRI, ठीक है, जो आप इंडियन हैं लेकिन बाहर रहते हैं। फिर है फॉरेन नेशनल, ये आपका मतलब बाहर के हैं आप, इंडिया के बाहर से। और यहाँ पे ये देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप यहीं के हैं लेकिन बाहर की सिटीजनशिप ले चुके हैं और आप वहीं अभी सेटल हो चुके हैं, फिर भी आपका अकाउंट यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। लेकिन आप अगर इंडियन हैं और इंडिया में ही रहते हैं तो इसे पहले वाले में ही टिक करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर टिक करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, ज़्यादा काट कूट मत कीजिएगा, एकदम साफ साफ फिल करिएगा फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशन टाइप, आप क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं पे जॉब, कोई बिजनेस करते हैं, तो वो डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्विस लिखा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, आप कहाँ पे जॉब करते हैं। ठीक है, ये डिटेल आप देना पड़ेगा आपको यहाँ पे देखिए। या फिर कुछ और हैं, आप प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, तो उस चीज़ पर आप यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, अगर बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, और अगर आपका कोई कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, कुछ और काम करते हैं आप, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना एनुअल इनकम आपको भरना है यहाँ पे, सालाना मतलब एक साल में आप कितनी इनकम करते हैं, एक एवरेज डालकर आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आप महीने को 10,000 रुपये कमाते हैं तो साल भर में हो गए आपके 1,20,000 रुपये, तो यहाँ पर आप लिखिए 1,20,000। अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपकी कोई इनकम नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। और हाउस वाइफ हैं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई रेवेन्यू, कोई इनकम आपकी है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है आइडेंटिटी वेरीफिकेशन, यानी कि आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको अपना ID डिटेल डालना है, ID प्रूफ आप क्या दे रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड डालना है। ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 60 फिल करना होता है। ये फॉर्म नंबर 60 कैसे फिल करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप वैसे उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डिटेल आप लिख सकते हैं। हो गया, ये बन गया आपका ID प्रूफ। अभी नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एड्रेस प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे आप एड्रेस के लिए क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आप पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, आप अपना आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका आधार कार्ड जो है वो आपका एड्रेस प्रूफ बन सकता है। ठीक है, तो आप अपने एड्रेस प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस लिखिए, क्वार्टर नंबर कितना है, पूरा डिटेल यहाँ पर आप लिखिए। 3 लाइन यहाँ पे छोड़े गए हैं तो आराम से आप इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी सिटी है आपका, शहर कौन सा है, टाउन कौन सा है, विलेज कौन सा है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट का, और पिन कोड क्या है आपका, तो पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे, जो पोस्टल कोड होता है वही पोस्टल कोड आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कौन से राज्य से हैं आप, स्टेट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एड्रेस, अभी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डालने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेलीफोन नंबर, इसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल टेलीफोन लैंडलाइन कोई यूज़ नहीं करता, ये भी वही है, आपको सिर्फ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। इससे क्या होगा कि मोबाइल नंबर पे आपके बैंक के सारे ट्रांजेक्शन वगैरह के मैसेज जाएंगे, और ईमेल आईडी पे आपके ईमेल भी जाएंगे कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ या फिर बैंक की तरफ से कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन हुआ, तो वो ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये दोनों रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद और आपको ज़्यादा कुछ फिल करना है नहीं, यहाँ पे अपना बस डेट डालना है, कौन सी डेट में आप इसे सबमिट कर रहे हैं, और कौन से शहर से हैं आप, कौन से प्लेस में हैं, तो उस प्लेस का यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। वही सिग्नेचर डालिए जो कि आपके अकाउंट में हो, बिल्कुल भी काट कूट मत करिए उसे, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे डालिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे और कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ ऑफिस यूज़ ओनली है, मतलब बैंक वाले खुद फिल करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं केवाईसी फॉर्म, केवाईसी अपडेशन का फॉर्म। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपकी जो प्रॉब्लम है इसे फिल करने के लिए अगर कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।